Good morning students, welcome to our next video exercise 1.1। आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, चैप्टर 1 के जितने भी बेसिक्स थे वो हमने क्लियर किए थे। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बिना लेट किए हमने आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इसमें क्या बोला आपको, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी एंड फाइंड। आपको क्वेश्चन दिया गया है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर सीधा बोल देना फाइंड तो अपने क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व कर देते। लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी हमने लिए नहीं पढ़ी थी, उनमें से किसी न किसी का यूज आएगा। और जब मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रही थी तभी मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वैसा ही है। कैसे पता चला, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैंने क्या पढ़ा था, a into b plus a into c। और ये किसके इक्वल हो सकता है, मैं दोनों में से a के कॉमन ले लूं और फिर b plus c। मैंने ये किया था, पेयर बनाए थे उसके बाद उसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम आप क्या देखते हैं, पेयर ऐड करें। पेयर का कैसे पता चलेगा, जैसे कि जो प्लस या माइनस आएगा तो वहां से एक पेयर बन जाएगा। जैसे इनके बीच में कुछ नहीं है, यहाँ प्लस आ गया एक पेयर, यहाँ माइनस आ गया दूसरा पेयर, और यहाँ भी तीसरा पेयर, और पेयर कितने भी हो सकते हैं। तो पहला काम था पेयर का पता लगाना, जो हमने पता लगा लिया। उसके बाद अब आप क्या करोगे कि इनमें से जो भी कॉमन है, जैसे यहाँ पे कॉमन एक था, मैंने एक को बाहर निकाल लिया, वैसे यहाँ पे अगर कुछ भी कॉमन है तीनों पेयर में, वो बाहर निकालो। तो अगर आप देखोगे तो तीनों पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई बात नहीं, दो पेयर में तो मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर इस पेयर की बात करूँ तो मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3/5 और 3/5, तो कोई बात नहीं, दो पेयर से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इस पेयर को थोड़ा सा पास में लिया हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। क्या है, माइनस का 3/5 × 1/6 और जो 5/2 है उसको लास्ट में लिख लेते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब अपना काम क्या है, इनमें जो भी कॉमन है उसको बाहर निकालो। कॉमन क्या है, 3/5, अंदर क्या बच जाएगा, जो बच जाता है वो अंदर छोड़ दो, 2/3 ये बाहर चला गया, माइनस का माइनस 1/6, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बाहर 5/2 पड़ा है तो पड़ा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने अगर बॉडमास का रूल अप्लाई करें तो बॉडमास का सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। तो यहाँ पे भी किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, आइए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या करोगे, इनमें क्या करोगे, इनका एलसीएम। तो जब एलसीएम लेते हैं, जब अपने कोई भी क्वेश्चन एलसीएम से सॉल्व करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एलसीएम से सॉल्व करोगे क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे, फिर डिवाइड करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे। समझ आ गया, सबसे पहले मैंने इनका एलसीएम लिया, तो क्या आया मेरे पास 6। एलसीएम का स्टेप हो गया, अगला स्टेप होता है डिवीजन का। तो जब मैं 6 का 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 2। और 2 को जब मैं 2 से -2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -4। वैसे वापस ये स्टेप इधर अप्लाई करते हैं, एलसीएम लिया हुआ है, अगला काम है डिवाइड, 6 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1। बार 5/2 का 5/2, अभी भी ब्रैकेट बाकी पड़ा है, इसको सॉल्व करते हैं, 3/5 माइनस माइनस प्लस साइन किस साइड का, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, अपॉन 5/2। अब इनको सॉल्व करो, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर बीच में कोई साइन नहीं होता है तो उसको किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई का, ठीक है। अभी भी इसी पेयर को सॉल्व करेंगे, तो कैसे करोगे, यहाँ का पहले सीधा मल्टीप्लाई करो फिर काटो, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप क्या करो सीधा काट दो, 3 × 1 मैं इसको थोड़ा सा अपनी साइन में काट के आपको पहले दिखा देती हूँ, ठीक है। कैसे काटा होगा, मैंने 3/5 है और इधर माइनस का 5/6 है, यही क्वेश्चन है मेरे पास, कैसे काटूंगी, 5 × 5 5 × 5 माइनस का साइन है, माइनस कर दो, 3 × 3 3 × 6। अब ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर लो, 1 × -1 −1 1 × 2 2, तो मेरा आंसर कितना आएगा, −1/2। तो मैं यहाँ पे काट के नहीं, आपको सीधा ही लिख रही हूँ, मैंने उसमें सॉल्व करके बता दिया है, तो मेरा लास्ट आंसर कितना आ रहा है, -1/2।
ठीक है। तो इनमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 2/5 और 2/5, कहां उस क्वेश्चन में भी लिखोगे, इधर भी लिखोगे, साइड में क्या लिखोगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब आप करते हैं इनमें क्या है कि कॉमन करने का काम करेंगे। तो इनमें कॉमन क्या है, 2/5 ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस का 3/7 प्लस का 1/14, बाहर आएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसको आप चाहो तो यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। अभी अभी उसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला से रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में, तो आप क्या करोगे इतना एलसीएम लोगे, 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा 14, उसके बाद अगला स्टेप फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो जब मैं 14 को 7 से डिवाइड करूंगी मेरे पास कितना आएगा 2, और 2 को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा -6। 14 को 14 से डिवाइड प्लस का प्लस, 14 को 14 से डिवाइड करूंगी 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 1 ही आएगा, बाहर 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। फिक्स डिफरेंस को सॉल्व करते हैं, 2/5 ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस, 6 में से बन जाएगा 5, साइन किसका रहेगा, इसकी वैल्यू बड़ी है और अपने को दिख रहा है वैल्यू किसकी बड़ी है -3, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपका क्वेश्चन। फिर इनके पीछे कोई साइन नहीं है, दैट मींस मैंने आपको पहले भी बताया था अगर बीच में साइन नहीं होता है तो वो किसका होगा, मल्टीप्लाई का। यहां पे 1/6 और 3/2, यहां तक हो गया। अब अगला काम करते हैं अपने लिए, वो काटने का काम। तो ये चाहो तो मैं साइन में काट के दिखा देती हूँ, 2/5 को -5/14 को जब आप काटोगे 2 1 2 2 7 5 5 5 5 5 माइनस से माइनस लग जाएगा, ऊपर क्या है 1 -1 -1 1 7 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1/7, इधर कितना आएगा, इसको ऐसे काटना चाहिए 3 1 3 3 3 6 ऊपर 1 नीचे 2 4, तो अपना आंसर कितना आया आपके लास्ट माइनस का 1/7 माइनस 1/4। इसको आगे सॉल्व यहाँ पे मैं साइन में कर दूंगी, ठीक है, -1/7 -1/4 वापस इधर क्या आएंगे एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आंसर कितना आएगा 28। लेके देखो एलसीएम आता है वैसे लेना, 2 के टेबल से लोगे 2, फिर 2 के टेबल से लोगे 1, 7 के टेबल से 1, 2 2 4 4 7 28। अगला काम अपना डिवाइड, 28 को किससे डिवाइड करोगे 7 से, तो कितना आएगा 4 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, वापस माइनस का माइनस, 28 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, कितना आएगा 7 7 2 1 7। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 7 का कोण कितना होता है 11, साइन किसका रहेगा, इसकी वैल्यू बड़ी है, अपॉन 28। तो ये आपका हो गया फर्स्ट के सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने को क्या बोला है एडिटिव इनवर्स निकालिए। एडिटिव इनवर्स अपने ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, क्या होता है सिर्फ साइन को चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 2/8 किसका दिख रहा आपको प्लस का, मैं किसका रख दूंगी माइनस का, मैंने बीच में साइन लगा दिया मतलब ये दोनों के साथ है। अगला माइनस का है तो किसका बनेंगे प्लस का, उसके बाद ये दोनों माइनस है तो ये कट ही रहे ना, मतलब क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया है 6/5, अभी प्लस का है तो आप किसका करोगे इसको माइनस का। अगला क्वेश्चन ये माइनस का है तो क्या कर दोगे प्लस का, ये माइनस है तो वापस क्या कर दोगे इसको प्लस का। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, आपको क्या करना था एडिटिव इनवर्स में बस साइन को चेंज करना था। अगला क्वेश्चन आप देखो, वेरीफाई दैट माइनस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, आपको ये बोल रहा है। देखो नॉर्मल से बात करते तो दिख भी रहा है माइनस माइनस क्या आएगा प्लस का एक्स ही आएगा, लेकिन ये आपने बोल रहा है देखो प्रूफ करके बताओ, तो ठीक है प्रूफ कर देते हैं। ये अपना हो गया एलएचएस, ये अपना हो गया आरएचएस, डाल लेती हूँ माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस एक्स, ठीक है। एक्स तो अपना 1/15 है देखो मालूम है, इसको प्रूफ कर देते हैं एलएचएस को, एलएचएस को प्रूफ कर देते हैं। तो माइनस माइनस एक्स की जगह क्या होता है 11/15, और इधर एक्स की जगह क्या आएगा 11/15, है ना। अब देखो माइनस माइनस कितना होगा प्लस का 11/15, और इधर भी 11/15 प्लस का, दैट मींस मैं क्या बोल सकती हूँ एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। तो अपने को यही प्रूफ करना
टू एक्स, ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप एल एच की साइड चलो, एल एच क्या है, ये माइनस माइनस एक्स, तो आप वैल्यू पुट करो माइनस माइनस एक्स कितना है, माइनस का 35/17, मतलब एक और ब्रैकेट आएगा माइनस का 13/17। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे पहले इस माइनस इस माइनस को प्लस, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस का 13/17। वापस जब आप करोगे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 13/17, ये आ रहा है ना, ये एल एच एस और आर एच एस इतना ही है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव। कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। तो आइए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो आइए अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, 1 2 3 अपने ने पहले कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्या बोला है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इस बार आपको क्या पूछा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पर अगर आपको याद हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या दिया था, जैसे 5 है तो 1/5, ताकि इसका आंसर कितना आ जाए, 1। तो इसमें क्या करना है, एक तरह से उल्टा करना है, जैसे प्रॉपर नहीं करना है, जैसे -13 है, इसका मैं क्या कर दूंगी, 1/-13। समझ आया क्यों, एक बार एग्जाम्पल आपको पढ़ना नहीं है, ये वाला पार्ट बस समझाने के लिए करते हैं। जैसे -13 है उसका 1/-13, तो पार्ट 2 में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1। मुझे 1 मिला है, तो आप सीधा क्या करोगे, ऑपोजिट कर दोगे, 13 ऊपर था 13 नीचे ले आए। इसमें क्या करोगे, 13 ऊपर है नीचे ले आओ, 19 ऊपर है तो सॉरी 13 नीचे ऊपर है तो नीचे ले आओ, 19 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स वैसे प्रॉपर हो जाएगा। ये ऐसे या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन हमेशा आप यही ट्राई करो कि साइन हमेशा ऊपर है, तो साइन में एक बार ऊपर रख देते हो, ठीक है, -19 / 13 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला 1/5 का होता क्या होगा, 5। उसके बाद ये वाला, इसको पहले सॉल्व कर लो, 5 × 3 = 15 -± +8 × 7 = 56। अब इसका कर लो वैसे प्रॉपर या उल्टा, उल्टा की करना होता है 56/15। समझ आया, अगला इसमें भी पहले का प्रॉपर समझने पे अगर -1 × -2 + 2/5। अब इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करो तो क्या आएगा, 5/2। इसका हमेशा ध्यान रखो 1 और -1 का रेसिप्रोकल हमेशा सेम ही आता है। जैसे मैं इसको उल्टा भी कर दूं 1/-2, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने भी जो पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में, वही मैं चेक करती हूं आपको कितना याद है। सबसे पहले क्या पूछा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी यूज हुई है। सबसे पहले आप देखो -4 × 5 × 1, देखो इसको a को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 1 को a से मल्टीप्लाई किया है, ऐसी कुछ इक्वेशन पढ़ी थी क्या आपने, a × 1 = a, पढ़ी थी ना, तो कौन सी आइडेंटिटी है, याद आता है, रूल ऑफ 1, दैट मींस इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 आपको याद से पता हो जाना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। b आपको क्या बोला है, देखो a × b b × a, आपको क्या दे रखा है, 13 × 17 × -2/7, तो वापस -2/7 क्वेश्चन है, वो भी खत्म होता है। आइए अपने चलते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सेवन, अपने क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोल रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, कि इसमें बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, आप गैस करो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अपने ने पढ़ा है ना एक ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, एक बार ए को बाहर रखो एक बार सी को बाहर रखो, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा था, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट क्या बोला है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या बोला है कि 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, किसका, -1/8 का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने पे अगर आपका आंसर 1 आता है तो आपका आंसर क्या होगा, यस, अगर नहीं आएगा तो नो। तो अपने चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, आप सॉल्व करो, 8 + 1 = 9, 9/8, साइन माइनस का है माइनस का लगा दो। अब देखो 8 में से 8 गया 1 और 9 से भी 1 जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसका 1 आएगा, माइनस का 1। तो अपना ये क्या बोलेंगे अपने, 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्या बोलेंगे, सो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्यों, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है, -1, जबकि कितना आना चाहिए, +1। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोल रहा है, इस ये सेम क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन का, कि इस पॉइंट 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/3, कि क्या पॉइंट 3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, किसका, 3/3 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट 3 है इसका पॉइंट हटाओ, एक के बाद पॉइंट है ना, तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, ठीक है, इनटू इसको सॉल्व करो, 3 × 9 = 10/3। अब मैं 0 3 लिखूं या 3 लिखूं, एक ही बात है, इधर 10/3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो आप क्या लिखोगे, यस पॉइंट 3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एम आई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। 10 आपको मैं ऑरली वर्बली करवा देती हूँ, 10 11। आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, कि राइट क्या लिखना है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो ये आपने पढ़ा होगा किसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो किसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा, उसके इसमें आंसर आप क्या लिखोगे, 0। आगे द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, वो रैशनल नंबर जो किसके इक्वल होते हैं, अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, तो आपका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट का आंसर मैंने लिखा 10 के 0। ठीक है, सेकंड का बोला है कि वो कौन से नंबर है जिनका रैशनल नंबर सेम आता है, तो क्या करोगे, अगर मैं क्या लिखूंगी 1
नहीं होता। तो पहले में क्या लिख दोगे, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। अगला वापस सेम ही पूछा है, द नंबर ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर देयर ओन रेसिप्रोकल, वो कौन से नंबर है जो खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। तो वन एंड माइनस वन, वन और माइनस वन का रेसिप्रोकल क्या आएगा वापिस, सेम ही आएगा। आगे द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव इज, माइनस फाइव का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन माइनस फाइव। रेसिप्रोकल क्या होगा माइनस फाइव का, वन अपॉन माइनस फाइव। आगे क्या बोला है, रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का उल्टा क्या होगा, वन अपॉन एक्स का उल्टा क्या होगा, एक्स अपॉन वन, या मैं क्या बोल सकते खाली एक्स, तो क्या होगा एक्स। उसके बाद लास्ट वन, सॉरी लास्ट सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, अगर मैं किसी दो रैशनल नंबर को प्लस करूंगी तो मेरा आंसर भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ए आएगा। तो मैं क्या लिखूंगी उसमें, रैशनल नंबर, ठीक है। और सिक्स आपको क्या बोला है कि द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, अगर मैं दो प्लस वाली चीजों को प्लस करूंगी, मतलब दो पॉजिटिव को प्लस